हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स को भून लेती हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को भून लेती हूँ। तो मैंने काजू तो भून लिए हैं और अभी मैं बादाम को भून रही हूँ। थोड़ा घी डाल लेंगे और उसमें आप अपने काजू और बादाम को फ्राई कर लेंगे। और मैं फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा चटकने लग जाए तब इनको निकाल लीजिए और जब ठंडे हो जाएं तो इनको मिक्स में पीस लेंगे हम। गोंद के लड्डू बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट बनते हैं। और ये हम गोंद वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है, तो सर्दियों में ज़रूर गोंद के लड्डू बना के खाने चाहिए। ये हमारी हड्डियों को मजबूत कर देता है और हमारी स्किन पे एक अलग सा ग्लो आ जाता है गोंद के लड्डू खाने से। बहुत ही पौष्टिक होता है गोंद हमारी सेहत के लिए। तो अब हम आटा भुनेंगे। गेहूं का आटा लेंगे और गेहूं का आटा थोड़ा सा दरदरा रखें, क्योंकि थोड़ा दरदरा रहता है तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बारीक नहीं होना चाहिए, आप चक्की से पिसवा लीजिए मोटा थोड़ा सा आटा। और सबसे पहले घी डालेंगे हम और इसमें हम आटे को भून लेंगे। और एकदम सिम आंच पे आटा भूनना है, तेज आंच बिल्कुल नहीं करनी है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि आपका आटा एकदम से सिम आंच पे भुनना चाहिए। और स्लो आंच पे भुनेगा ना तो बहुत ही अच्छा आटा भुन के रेडी हो जाएगा और कहीं से भी कलर भी एक जैसा ही रहेगा उससे। तो हमें आटा भुन लेना है, अच्छे से भुन लेना है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, स्लो में होता है तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। इस तरह से थोड़ा कलर बदलने लग जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी, तो हमारा आटा भून के रेडी हो जाएगा। और इस तरह से मैं सामग्री इसमें लिया है 2 केजी मैंने आटा लिया है गेहूं का, 2 केजी घी और 2 केजी बुरा, 1/2 केजी गोंद लिया है और 1/2 केजी जो कच्चा नारियल होता है उसको भी मैंने मिक्सी में पीस लिया था, और 1/2 बादाम और 1/2 ही काजू लिया है। तो आटा जब आटे में टाइम लगेगा 40 मिनट तक लग जाएंगे, 35 से 40 मिनट में आपका आटा भुनेगा। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसी रेशो में, जैसे आप जितना आटा ले रहे हैं उतना ही आपको घी लेना है, और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी चल जाएगा इसमें। ये मैंने गूंद लिया है, 1/2 केजी मैंने गूंद लिया था, थोड़ा धूप लगा लिया था गूंद को, तो धूप लगा लो तो थोड़ा और अच्छे से फूलेगा। और ये मैंने बुरा लिया, बुरा के अंदर ही हम गूंद को मैश करेंगे। घी लिया है मैंने, 2 केजी घी ले लिया है, तो उसमें से मैंने 1/2 केजी के लगभग मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। आटा मेरा भुन गया था, वो मैंने अलग से बर्तन में निकाल लिया था। और पहले हम डाल के देख लेंगे, गूंद जब ऊपर आएगा तभी वो घी गर्म हो जाएगा, तभी हमें सारा गूंद डालना है, पहले नहीं डालना है। घी हमारा गर्म हो गया है तो हम उसमें थोड़ा सा गूंद डालेंगे, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि फिर वो गूंद फूल जाएगा तो अच्छे से भुनेगा नहीं अगर ज़्यादा भर गई तो कढ़ाई। इस तरह से गूंद फूल जाएगा अच्छे से और थोड़ा सा हम 1-2 मिनट तक इसको भून लेंगे। फुल आँच पे ही हमें गूंद भूनना, गूंद को पकाना है। फुल आँच रखिएगा उस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। गूंद भून गया, हम इसको निकाल लेंगे और
फिर इसको हम सेम टाइम ही गरम रहता है उसी टाइम इसको हम बर्तन से, जो भी हमारे पास अगर कोई और हैवी है तो आप वो रख लीजिए, जैसे लोटा रख लीजिएगा और उससे और अच्छे से मैश होता है, और या फिर पतीला हैवी हो थोड़ा सा तो उससे अच्छे से मैश हो जाता है। गूंद को मैश ही करना ज़रूरी है, नहीं तो वो दाना सा दांतों पर चिपक जाएगा अगर अच्छे से मैश नहीं किया तो। इस तरह से मैश कर लेंगे हम पूरे गूंद को, बुरा के अंदर अच्छे से मैश हो जाता है इसलिए बुरा के अंदर ही इसको मिलाते हैं। हम और पूरा गूंद को हम इसी तरह से पूरे गूंद को भून लेंगे, सारे गूंद को थोड़ा 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 डाल के हम इसको पूरा फ्राई कर लेंगे। 102 मिनट तक हम इसको भून लेंगे, गूंद को सेम टाइम ना निकालें। अब हम जो बचा हुआ घी है उसको हम गर्म करने के लिए रख देंगे, और फिर हम ये आटा ले लेंगे और इसमें हम डाल लेंगे ये जो मैंने नारियल को कस किया था और जो काजू और बादाम को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, बारीक पाउडर कर लिया। आप थोड़ा दरदरा भी रख सकते हो उसको, आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, तो हम सिर्फ इसमें जो चीज़ें हमें पसंद है वही वही डाली हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च से क्या है कि आपके गैस वगैरह बनने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मैंने गूंद जो मैश किया था वो बोरा के अंदर वो सब मैंने इसमें डाल लिया है। और ये जो 1 kg बोरा के अंदर मैंने वो मिक्स किया था, और ये अभी ये मैं 1/2 kg से ऊपर मैंने थोड़ा सा पाव भर लगभग मैंने इसमें से बचा लिया है, क्योंकि मीठा हम कम ही लेते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और मिक्स कर लेंगे हम पूरा, बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे। बड़ा बर्तन होना चाहिए आपके पास, कोई भी बड़ा रखें, उसमें क्या है अच्छे से मिक्स हो जाएगा आपका सारा जो सामान है। और घी बीच में डाल के हम मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और घी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, आपको कितना घी चाहिए, ज़्यादा घी चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आप थोड़ा चाहिए तो आप थोड़ा भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। इसका कोई ये नहीं है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत कम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, गूंद थोड़ा कम ले सकते हो, मैंने 1/2 kg डाला है। और इस तरह से गूंद रेडी हो गया है हमारा, आप चाहे तो इसके लड्डू बना लीजिए, लेकिन मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है, तो मैं ऐसे ही इसको मैं अपने मेरे पास डिब्बा है उसमें मैं डाल के इसको बंद करके रख दूंगी। इसको लॉन्ग टाइम तक आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, 1 से 2 महीने तक आप इसको रख सकते हो, वैसे भी ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और